मॉर्निंग, दूसरी सुबह हो चुकी है और मेरा ये नाश्ता है, ये देखो, हाँ ये रस्क केक और बिस्किट और ये मेरी चाय। तो यार मैं तो चिकन खाती नहीं हूँ तो मुझे ये खाना पड़ रहा है नाश्ते में, क्या ही करूँ अब मैं। तो मिलती हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद, ओके। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से गज़ल हो चुकी है रेडी। अभी बस थोड़ा सा रह गया बाल बुल बनाने, और अभी इयर रिंग पहनने की जदीद कोशिश कर रही है ये। ओह माशाल्लाह, क्या बात है। सो फ्रेंड्स, कहते हैं मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी और मेरी हम दोनों की आज ड्रेसिंग सेम है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपको फुल लुक दिखाते हैं। आज हम कल की तरह आज हम लेट हो गए, हमारा लेट होना तो किस्मत में लिखा हुआ है। तो खड़ा अभी भी हमारी नींद पूरी नहीं हुई यार, यही रोना तो उन्हें। सो कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं। चलो अब जल्दी से रेडी होते हैं और पहुँचते हैं बाहर, कुछ वीडियो शीडियो शूट करते हैं जैसे कल की थी। ज़्यादा तो वीडियो शूट भी नहीं कर पाते यार, क्या करें, लाइट चली जाती है। तो जल्दी से चलते हैं, जो थोड़ी बहुत होती है जल्दी से करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सो फ्रेंड्स, कहते हैं आई होप कि आप लोगों को हमारा ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़्यादा शूट नहीं कर सके क्योंकि कुर्बानी थी, उसके बाद हम नींद में थे और ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। पर आज देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आए और लास्ट टाइम लास्ट भी देखिएगा, एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अभी हम निकलते हैं और वीडियो का शूट करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 6:15 बज गए। सो चलो जल्दी से निकलते हैं, फिर बात करते हैं। चुके थे और मैं बहुत ही थक गई थी तो मैं सो गई थी, अभी मैं उठी हूँ। बालों को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, आपको पता है मैं चिकन तो खा तो चिकन नहीं गोश्त गोश्त तो खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ही भूख लग रही है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आलू चावल बनाऊँ। तो चावल बनाने के लिए मैंने अतिका को नीचे भेज दिया है और आलू मैं खुद बनाऊँगी ऊपर, ठीक है। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं आलू और रेडी शेडी होके हम कैसे घर में आलू बनाते हैं। यार जो चिकन नहीं खाते और जो गोश्त नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होती हैं ये चीज़ें, अब क्या ही करें यार, बचपन से खाया नहीं है तो इसलिए बस। अगर खाया होता तो आज मैं भी मज़े से ऐसे खा रही होती पाए शाए। तो खैर छोड़ो इन बातों को, अभी हम चलते हैं, ठीक है। मसाले भी आ चुके हैं नीचे से क्योंकि ऊपर हम रखते नहीं हैं। तो और ये मेरे आलू, ठीक है, और ये घी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अभी मैं गैस ऑन करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ बना के पी लूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार। तो गैस मैंने अपने बाल भी बंद कर दिए, ठीक है, अब आराम सुकून से हम खाना बना सकते हैं। और देखो मैंने एयरिंग्स उतारी ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी टैंक क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ही दिल कर रहा है कुछ ठंडा पीने को। तो ठंडा पानी पड़ा हुआ है तो हम बनाते हैं टैंक, ठीक है, टैंक बनाऊंगी मैं। ये रहा मेरा टैंक। कौन कौन गर्मियों में टैंक पीता है यार बताना मुझे। वो संदल का जो होता है, क्या कहते हैं जो पीते हैं संदल, पता नहीं क्या कहते हैं, अतिका पीती है वो भी है, लेकिन मैं नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ तो इसलिए हम ये पीएंगे, ओके। ये फेंगे देन उसके बाद हम बनाएंगे खाना, खाना बनाएंगे, ओके। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों में से कौन कौन गोश्त नहीं खाता मेरी तरह, किस किस के घर वाले तंग हैं उससे। तो थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे इसमें, ठीक है, चीनी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें, तो चम्मच चीनी चलेगी क्योंकि फिर चीनी से ना ज़्यादा सही बनता है, मतलब खट्टा खट्टा हो जाता है ना, तो खट्टा नहीं होता उससे ना, तो सही हो जाता है, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं बना के फिर आपसे मिलती हूँ, ओके। सो फाइनली मेरा शरबत बन गया है और मेरा टैंक, सॉरी मेरा टैंक बन चुका है, तो अब मैं इसको पीऊँगी, ठीक है, देखती हूँ कि कैसा बना है। मजेदार
यार, मतलब यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरे बनाए। ओ माय गॉड, मेरे हाथ कहाँ हैं? हाय, ये है मेरे हाथ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्मी बहुत हो गई है, तो किसी से दिला मत करो, ये टेन पिया करो बस, ठीक है? तो थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल लगोगे। ओके गाइस, मैं प्लेट और छुरी लेकर आई हूँ, ठीक है? पहले हम कट करते हैं आलू, उसके बाद टमाटर, उसके बाद मिर्ची, जो कि सबको लगती है हमें देख के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अब मैं काट रही हूँ टमाटर। मैंने आलू काट लिए हैं, और मतलब मैंने कभी आलू बनाए नहीं है यार, तो पता नहीं अब कैसे ही बनेंगे आलू, ठीक है? पर मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे बने, क्योंकि मेरी सिस्टर बनाती थी पहले, तो मतलब उसकी तरीके से मैं थोड़ा बनाना चाह रही हूँ। देखती हूँ बनता है कि नहीं, अगर बना तो फिर आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें। ओके, तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं, फ्राई पैन रखते हैं उधर। ओके, तो अब गजल शेफ रेडी है खाना बनाने के लिए। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खाना, कि खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है? आप लोगों ने भी वैसे ही बनाना है जैसे मैं बनाऊंगी, ठीक है ना? अगर और भी कोई तरीका हो आपके पास तो आप उस तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी यार। चलो, झूठ नहीं बोलती क्योंकि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। तो ये देखो, मैंने लहसुन डाल दिया, ठीक है? और यहाँ पर ये टमाटर, ये आलू और ये मसाले। तो मिलती हूँ थोड़े से ब्रेक के बाद, ठीक है, इसमें आलू डाल के। तो गाइस, मैंने अपने आलू दम पे रख दिए, ठीक है? और टमाटर भी बस डालने ही वाले हैं, ठीक है? थोड़े आलू नरम हो जाए ताकि जो है ना खाने में अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने ढक्कन दे दिया है। ढक्कन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसका पता नहीं कहाँ पर था अभी, तो इसलिए मैंने ये दे दिया। तो अभी मिलती हूँ, क्योंकि यार मोबाइल बहुत गर्म हो रहा है, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा शूट नहीं कर रही, लेकिन जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे सोनू की डील डन हो गई है। जो इसकी मील थी आज, जो इसकी तलब थी, इसकी हालत खराब हो गई। कपड़े चेंज कर दिए इसने, देखो। हमने वीडियो शूट बनानी थी अभी होड़ भी, पर अभी फिलहाल यार खाना खाएं, क्योंकि खाना वगैरह जब तक नहीं खाया तो कैसे हम यार, हमारे अंदर एनर्जी आएगी, हम कैसे व्लॉग बनाएंगे? तो यार अभी थोड़ा सा हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं आ रहे, वो भी इंशाल्लाह आएंगे बहुत जल्दी। ईद वगैरह थी, वीडियो शीडियो ये वो, टाइम नहीं मिल पाता। तो जल्दी से हम खाना खाते हैं
और मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बनाया है सोनू ने। वैसे चावल तो मैंने बनाए हैं, वो भी फर्स्ट टाइम बनाए हैं। कालू को आगे देखो, मैंने ना चखा है ना क्या पता। चलो टेस्ट करते हैं। मजेदार यार, ये तो बिना चखे इतने अच्छे बनाती है। उस दिन तुमने क्या बनाया था, आलू पालक, वो भी इतने लेवल का यार। नमक मिर्च बहुत ज़्यादा इसको अच्छा, मतलब कहते हैं ना वो, हमें हमारे अंदर अभी नए नए कुक हैं तो हमें नहीं पता कि नमक मिर्च का क्या अंदाज़ है, पर इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब डालती है कि इसको पता होता है कितना डालना है कितना नहीं। वाह यार, सेम फीलिंग आ रही है वहाँ घर वाली। कह तो रही हूँ बिल्कुल सेम, बड़ी अच्छा बना। इतने सालों बाद यार तेरा वो एक्सपीरियंस, वही सब कुछ, नमक मिर्च डालने का तरीका, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ यार तेरा। मैं वही हूँ, लोग बदल गए हैं, मैं तो वही हूँ। सही बात है, पर चलो कोई नहीं, अब खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। गाइस आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो गाइस हमें दुआओं में याद रखना, ठीक है। और नए नए चैलेंज इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्दी आएंगे, क्योंकि यार गर्मी है इस वजह से हम ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आजकल तो ईद है, तो बस ईद में ही सारा दिन गुजर जाता है, उठना, तैयार होना, ये वो, वीडियो शीडियो में ही टाइम निकल जाता है, तो व्लॉग का टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्दी फिर से अपनी रूटीन पर आएंगे, ओके। और कुछ लोग जो हैं वो बकवास करते हैं, तो उनको बकवास ही करने दीजिए, ठीक है। उनका काम ही बकवास करना है, तो बेचारे क्या ही करें, बकवास ही कर सकते हैं और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो खैर, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ओके। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना मुझे। अल्लाह हाफिज़।